लालू प्रसाद के राजनीति के शुरुआत जना तरीका से भई रहे और जो सूत्र देले रहन उस सूत्र 15 साल, हालांकि उनका दावा रहे कि 20 साल तक ले बिहार के गद्दी से उनका केहू न हटा सकेला, लेकिन 15 साल में उनकर इतिश्री हो गई। लेकिन उनका समीकरण जो रहे वो बड़ी तगड़ा रहे। समीकरण रहे MY, मुस्लिम और यादव। इस समीकरण पर अब तक पूरी तरह से सेंध ना लागल, लेकिन एक शख्स ऐसा बाड़े जो ने समीकरण पर सेंध भी लगावे के दावा करता रहे और उनका दावेदारी भी बढ़ुए बिहार के सबसे ज़्यादा हॉट सीट पर। और वो हॉट सीट सबको जानते हुए दिल्ली से उस सीट होके बिहार से राजधानी पटना और पटना से होते हुए बस सीधे जगह पर पहुंच गए। नाम बताओ तनी, लेकिन ओकरा पहले बताओ तनी कि MY समीकरण तोड़े में महागठबंधन भले कामयाब ना भइल होके या MY समीकरण के तोड़े में कोनो जना कामयाब ना भइल होकस, लेकिन इस समीकरण के NDA और भारतीय जनता पार्टी तोड़े के दावा करता। नमस्कार, स्वागत बरुआ लोग के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, इस समीकरण के आधार पर बिहार में कोई भी अगर साध लेते हुए तो ओकर जीत के प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, माने कि जीत के करीब पहुँच जाते हुए। ऐसने एगो सीट बढ़ुए बेगूसराय। बेगूसराय के सीट पर रुआ पता बढ़ुए जो बतैनी है रुआ लोग के कि दिल्ली से चल के पटना राजधानी और राजधानी से बेगूसराय तक जौन कार पहुँचल, वो कार में सवार रहन कन्हैया कुमार। बताओल जा रहा कि कन्हैया कुमार के टिकट बेगूसराय से फाइनल हो गए बुढ़े और एक साथे मुहर लालू प्रसाद से लेकर कांग्रेस और कांग्रेस से लेकर के सभी घटक दल जौन बाड़े महागठबंधन के उनका लाग गए बुढ़े। अगर एक सीट भी वाम दल के जाई तो सीट बेगूसराय हुई और बेगूसराय में कन्हैया कुमार चुनाव लड़त रहे। तैयारी भी उनका देखते बने रुआ। जौन बात हम कह जाते नहीं वो बात बहुत गंभीर बुढ़ुए और एक बात के सबसे बड़ा जौन कारण बुढ़ुए वो कारण पैदा करते रहे NDA के एगो बहुत पुरान नेता जौन राजनीतिक समझ भी रखेले, मंत्री भी रहल बाड़े और एक ऐसा वर्ग से भी आवेले जौना वर्ग के उजा मत जौन बा वोट जौन बा काफ़ी संख्या में बुढ़ुए टक्कर देवे वाला बा। हम बात करते नहीं जमशेद अशरफ के। जमशेद अशरफ एक व्यवसायी के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में अपना के बहुत बेहतरीन ढंग से स्थापित कैले बड़े। सिर्फ उनका अपना समाज में ना, हिंदू समाज में भी उनकर स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ुए। खास करके सवर्ण, गरीब सवर्ण लोग के वो बहुत अधिक प्रिय नेता मानल जाले एक समाज सेवी के रूप में। ऐसा बहुत सारा कार्य वो कैले बड़े जौन कार्य सराहनीय भी कहल जा सकेला और उत्कृष्ट भी कहल जा सकेला। खास करके नीतीश कुमार के जौन दहेज वाली बात बढ़ुए उकरा के बहुत ज़्यादा समर्थन देता रहन। गरीब बच्चा लोग के, गरीब बच्ची लोग के शादी ब्याह करावे में इनकर अहम भूमिका रहल बढ़ुए। अब बात हम करत नहीं कि MY समीकरण, जमशेद अशरफ के तो हम बात बताइए देनी, कन्हैया कुमार के बात रुआ लोग पहले से जानत नहीं कि कन्हैया कुमार पूरा ताल ठोकले बड़े और वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करता रहे और नरेंद्र मोदी के हमला के रोके वाला जो ढाल बन के सामने आए बड़े वो जमशेद अशरफ बड़े। उनका कहना बढ़ुए कि MY समीकरण के वो पूरी तरह से साध ली हैं। एक पीछे के आंकड़ा अंक गणित जरूरत के समझाई तो वह बढ़िया से समझ जाए कैसे कि बेगूसराय में जौन आंकड़ा बढ़ुए जातीय समीकरण के हिसाब से वोट के ओकरा में भूमिहार वोटर 3.5, 3.5 लाख बाड़न। वही अगर कहल जाओ तो मुस्लिम समाज 2.5, 2.5 लाख बाड़न, 1.5 लाख के आबादी बढ़ुए यादव समाज के और इहे जोड़ घटाव गुना भाग बढ़ुए। इरुआ पता बढ़ुए कि कन्हैया कुमार भूमिहार बिरादरी से आवेलन, भूमिहार जाति से आवेलन, तो 3.5 लाख वोटर में से ये जरूरी नहीं है कि सारा वोटर उनका साथे होगा, लेकिन MY समीकरण जेकरा तरफ जाला ओकरा के पूरा पूरा समर्थन करेला। भारतीय जनता पार्टी
रुआ याद होई कि लगातार यादव वोटर के रिझावे खातिर लुभावे खातिर लगातार तैयारी करल बड़ो। 2014 में लालू प्रसाद के सबसे नज़दीकी जो संघाती रहन, सबसे ज़्यादा उनकर पारिवारिक सदस्य के रूप में जानल जात रहन राम कृपाल यादव, वो टूट गई रहन, उनका के तोड़ ले रहे भारतीय जनता पार्टी। अब की हाली यही दावा पर जमशेद अशरफ कहत रहन कि 2.5 लाख मुसलमान और 1.5 लाख यादव उनका साथे बढ़े और सवर्ण समाज तो उनका साथे बढ़ले बढ़ुए, एक साथे और भी कई जाति बढ़े वो उनका समर्थन में खड़ा बढ़े। एक कारण से उनका दावेदारी, उनका टिकट के दावेदारी सबसे पुख्ता बढ़ुए और ये पुख्ता दावेदारी के पीछे बहुत सारा सामाजिक कारण भी बढ़ुए। बेगूसराय के जलवायु ऊर्जा के जो तासीर बढ़ुए वो जमशेद अशरफ के तरफ जा रहा बढ़ुए। हालांकि कन्हैया कुमार के दावेदारी कमजोर नहीं थे, ऐसे कि कन्हैया कुमार महागठबंधन के एकमात्र नेता बढ़न जौन पूरा फुल ऑन बढ़न, खास करके युवा में उनका एक अलग पहचान बढ़ जैसा रुआ अलग पहले भी बतौले रही हैं कि सबसे बड़ा जमशेद अशरफ के विशेषता ये बढ़ुए कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ना NDA के सब लोग के पसंदीदा नेता बढ़न, नीतीश कुमार के बहुत करीब बढ़न और नीतीश कुमार इनका के बहुत सराहले भी और माने जाने ले भी। यह बात के लेके अगर दावेदारी के बात होते हुए तो दावेदार तो कई लोग बढ़ुए, वो कई दावेदार में जो सबसे ऊपरी पैदान पर जेकर नाम बनू वो नाम बढ़े जमशेद अशरफ। अब तक इरुआ खबर कहीं ना मिलल हुई, ऐसे कि खबर भीतर खाना से निकाल के ले आवल गई बुड़ुए। बेगूसराय में राजीव रंजन पाठक लंबा समय तक सर्वे कैले है, लोग से बात कैले है और यह मुद्दा पर चर्चा के दौरान जौन बात निकल के आई है वो इहे बड़ुए। एक साथ साथ ऑफ द रिकॉर्ड चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो को चाहे जदयू हो को, एक साथ साथ विपक्ष के लोग भी जमशेद अशरफ के नाम पर लेकर के थोड़ा सा सकारात्मक जो कहा ला सकारात्मक बात बढ़ुए। ऐसे जमशेद अशरफ के दावेदारी बेगूसराय से बड़ी पक्का माना जाता हुए, अगर कहल जा तो खूंटा ठोक माना जाता हुए। जमशेद अशरफ के हिलावे में बहुत मुश्किल हुई। अब तक के जौन रुझान बा जौन सत्ता पक्ष या विपक्ष या फिर कहीं कि NDA और महागठबंधन में जौन बात निकल के आई पड़ुए वो में अगर कहल जा कि 85 से 90% तक जमशेद अशरफ के दावेदारी NDA के तरफ से पक्का बा, ते में कोनो लेकिन किंतु परंतु ना हुई। एगो बात और बढ़ुए कि NDA और महागठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला बार बार कहा जाता कि तय हो गई बढ़ुए, लगभग सीट सब तय हो गई बा, के कहाँ से लड़ी एकर भी अंतिम निर्णय लगभग हो गई बा, थोड़ा सा 19-20 के साथ बहुत जल्दी है रुवालों के सामने आ जाइए। जुड़ा रही सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, ऐसने खबर लेकर फिर हम रुवालों के सामने हाजिर होकब, ऐसने कोनो सर्वेक्षण लेकर हाजिर होकब। तब तक खातिर रुवालों से निहोरा बा कि भारत लाइव के 2 लाख वाला क्लब में हमने के पहुँच जाते हैं, बस जरा सा सब्सक्राइब वाला बटन अपना हित मित्र गोतिया पटदार संगी सलेहर से दबवा दें और संगे संगे घंटी जरूर दबा देव, ऐसे कि सब खबर सबसे पहले रुवालों के प्राप्त हो जाए। चूंकि ये लोकतंत्र के जौन महापर्व बढ़ुए, यह पर्व में आहुति अपना वोट के रउए लोग के देवे के बढ़ुए, वही से लोकतंत्र जिंदा हुई। अगर कुछ कहल चाहता नहीं तो नंबर बढ़ुए, एक पर व्हाट्सएप कर सकी ले, बात भी कर सकी ले, 72 777 65 303 7277 65 303। ईमेल आईडी बढ़ुए editornewsbihar@gmail.com। ये प्रेम स्नेह के जो गंगार वो लोग बाहर रह बनो, एक समनी के एकदम पूरा सराबोर बन जाओ ऊपर से नीचे तक, ऐसे ही एक बरकरार रखी सब है। गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।